नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। शाम 4 बजे के आसपास देश लौटेंगे पायलट अभिनंदन। वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट में आम लोग नहीं होंगे शामिल। अभिनंदन को हवाई मार्ग से भेजने की अपील को पाकिस्तान ने किया खारिज। जावाज बेटे अभिनंदन के माता पिता का फ्लाइट में स्वागत। चेन्नई से दिल्ली के फ्लाइट में बजी तालियां। चेन्नई में पूजा पाठ। ओआईसी की बैठक में सुषमा स्वराज का बयान, आतंकवाद और कट्टरवाद दोनों एक। सुषमा को गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाए जाने से नाराज पाकिस्तान ने किया बैठक का बहिष्कार। कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री मोदी की रैली। किसान सम्मान निधि योजना का किया जिक्र, बोले करोड़ों किसानों के खातों में पहली किस्त जमा कर दी गई। और सुप्रीम कोर्ट में आदिवासियों को लेकर नई अर्जी दायर। माइनिंग और अन्य कार्यों के लिए ली गई जमीन वापसी की मांग, कल ही अपने फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है रोक। पूरा देश बहादुर पायलट विंग कमांडर अभिनंदन का अभिनंदन करने के लिए बेताब है। तो जरा अभिनंदन के बारे में जान लीजिए। अब विंग कमांडर अभिनंदन अब से कुछ ही देर बाद वाघा बॉर्डर पहुंचने वाले हैं। अभिनंदन को पहले इस्लामाबाद से लाहौर लाया गया और अब लाहौर से वो वाघा बॉर्डर पहुंचने वाले हैं। वो रास्ते में है, वाघा बॉर्डर पहुंचेंगे कुछ ही देर में। अभिनंदन का परिवार वाघा बॉर्डर पहुंच चुका है। वायुसेना के अधिकारी भी वाघा बॉर्डर पहुंच गए हैं। अभिनंदन के चलते वाघा बॉर्डर पर होने वाली मीटिंग रिट्रीट को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। इससे पहले फ्लाइट में यात्रियों ने अभिनंदन के माता पिता का तालियां बजाकर स्वागत किया, अभिनंदन किया और अब देश अभिनंदन के इस्तकबाल के लिए, उनके स्वागत के लिए इंतजार कर रहा है। कुछ ही देर में बताया जा रहा है वाघा बॉर्डर पहुंचेंगे अभिनंदन। लगातार स्वराज एक्सप्रेस की नजर बनी हुई है इस बड़ी खबर पर। ये तस्वीरें लगातार आपको हम पहुंचा रहे हैं वाघा बॉर्डर की, जहां पर देखिए खुशी का माहौल, जश्न का माहौल और ऐसा लग रहा है कि कोई राष्ट्रीय पर्व हो। बीटिंग रिट्रीट देखने के लिए वहां पर जनरली 26 जनवरी या 15 अगस्त को ऐसी भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन ना ही आज 26 जनवरी है, ना ही आज 15 अगस्त है। आज है 1 मार्च और 1 मार्च के दिन ये खुशी जो है ये सलाम करने के लिए है, एक झलक पाने के लिए, अभिनंदन के बहादुरी को सलाम करने के लिए, उनके वीरता को सलाम करने के लिए। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी माला लेकर, फूलों को लेकर, तिरंगा लेकर लोग ढोल नगाड़े के साथ अभिनंदन के स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। और सुबह से लगातार इस तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है। हालांकि लोगों को ज़रूर निराशा हाथ लगी है, क्योंकि बीटिंग रिट्रीट आज नहीं होगी, होगी लेकिन उसमें जो आम लोग हैं शिरकत करते थे उन्हें नहीं शामिल किया गया है। वजह सुरक्षा के लिहाज के कारण बताया जा रहा है कि सुरक्षा के मद्देनज़र वहाँ पर जो आम लोग हैं वो इसका हिस्सा नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह का जोश और उत्साह लोगों के बीच में अभिनंदन का अभिनंदन करने के लिए। कितनी बड़ी ये जीत भारत के लिए है आज हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। पिनाक रंजन चक्रवर्ती, पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीके खन्ना, रिटायर्ड ब्रिगेडियर, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। वीके खन्ना जी, कुछ ही देर में अभिनंदन पहुंचेंगे वाघा बॉर्डर और यहाँ से अमृतसर एयरपोर्ट और अमृतसर एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। आज ये जो दिन है इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? ये आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है हमारे लिए, और क्योंकि हम इनिशियली तो ये सोच रहे थे कि शायद पाकिस्तान इतनी जल्दी इसको उनको वापस नहीं करेगा, जैसा कि पहले भी एक्सपीरियंस हो चुका है। पर जो नया भारत है, विश्वास के साथ में जो भारत उठा हुआ है और जो अभी अहमियत है पूरे संसार में भारत की, उसको मद्देनजर रहते हुए, इंटरनेशनल प्रेशर का मद रहते हुए और ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए, जो है पाकिस्तान की जो आर्मी है उन्होंने इमरान खान जी को बोला कि आप बोलिए कि हम उसको देंगे, और ये एक बहुत ही अच्छी बात है। हम तो ये है मेरे ख्याल से तो पहली बार हो रहा होगा कि इतनी जल्दी एक PW जो है वापस किया जा रहा है, और ये एक भारत की जो है बहुत अच्छी जीत है। और पर एक चीज़ मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि ये ठीक है, उन्होंने जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक उसको वापस कर दिया है, पर अभी जो है हमें जो एम है जिसके लिए हमने ये पूरा कदम उठाया है, और वो है कि जितने भी आतंकवादी हैं उनके ठिकाने
और उनके जो ट्रेनिंग एरिया है, जब तक कि वो डिसमेंटल नहीं होते हैं, ये हम अपने उनके साथ में पाकिस्तान के साथ बात नहीं करनी चाहिए। मेरे को पक्का यकीन है कि प्रधानमंत्री जी भी का और पूरे बाकी के जो उनके सलाहकार हैं, यही उनका मुद्दा होगा, क्योंकि ये डेविएशन नहीं करना कि जो है पायलट को अगर वापस कर दिया है तो फिर वैसे का वैसा अगर हो जाएगा, अगर हमने इसी को इसी के बीच में जब है आधा अधूरा जो वर्क है उसको छोड़ दिया। पिनाक रंजन चक्रवर्ती भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व राजनयिक है हमारे साथ। पिनाक जी, क्या ये भारत की बहुत बड़ी जीत नहीं है? चूंकि यहाँ पर पाक के विदेश मंत्री कुरैशी साहब तो साफ तौर पर कह चुके थे कि देखिए पीस जेस्चर के तौर पर हम अभिनंदन को रिहा तो कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करें फोन के जरिए इमरान खान से, साफ कर दिया गया भारत की तरफ से कोई शर्त मंजूर नहीं, सकुशल अभिनंदन को वापस किया जाए। देखिए ये कश्माकश अभी चलेगा क्योंकि वो लोग भी अपनी तरह से तो अपना खेल खेलेंगे, पर बात यह है कि अभी आज अंतर्राष्ट्रीय माहौल जो है वो बहुत बदल चुका है। पाकिस्तान के जो बहुत करीबी दोस्त हैं, अमेरिका भी उसमें है, चाइना तो है ही है, और सऊदी अरेबिया, यूएई, वो भी उन पे दबाव डाल रहे हैं। देखिए वो भी सब लोग तंग आ गए हैं पाकिस्तान के रवैये से। ये इतनी तंजीमें जो उन्होंने जिहादी जो आतंकवादियों को पाले हुए हैं और ये अफगानिस्तान में छोड़ देते हैं, ईरान में उसको भेज देते हैं, हमारे यहाँ तो भेज ही रहे हैं, उधर चाइना में उइगुर सिंक्यांग प्रोविंस में भी कुछ गए हैं, पर उसमें चाइना के साथ वो कार्रवाई कर देते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि चाइना के साथ नहीं करेंगे तो वो सारा जो पैसा चाइना से आता है वो बंद हो जाएगा। तो ये अभी पाकिस्तान को ये समझ में आ रहा है कि अब वो इस तरह का रवैया कि हम टेररिज्म को यूज़ करके अपनी जो स्वार्थ है, निजी स्वार्थ, उनके देश का स्वार्थ में ये नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के स्वार्थ में है कि पाकिस्तान आर्मी जो उनका फॉरेन पॉलिसी और सब कुछ चलाता है, और इमरान खान तो सिर्फ एक मुखौटा है। और इसलिए इमरान खान जो बोल रहा है, अंग्रेजी में एक कहावत है जिसको कहते हैं गुड कॉप बैड कॉप, मेरे ख्याल में इमरान खान गुड कॉप की बातें कर रहा है और पीछे तो आर्मी है ही है जो बैड कॉप है और जो इस तरह से टेररिज्म का इस्तेमाल करता है। मुझे तो लगता नहीं कि टेररिज्म का इस्तेमाल वो छोड़ देंगे, शायद कुछ दिन के लिए बंद कर देंगे, कॉस्मेटिक चेंजेस करेंगे, दुनिया को दिखाएंगे कि हम भी, एक तो उनका नैरेटिव ये है अरे हम भी तो परेशान है टेररिज्म से। ठीक है, होंगे, अगर आप पालोगे टेररिस्ट को तो वो भी आपको भी कभी कभी काटेंगे। सॉरी जी, तो मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान को मतलब समझना चाहिए कि ये हद से बाहर हो गई है, और इंडिया ने तो मैसेज दे ही दिया है कि अगला अगर कुछ ऐसा हुआ तो फिर इंडिया स्ट्राइक करेगी। वीके खन्ना जी, जिस तरह से पिनाक जी कह रहे हैं कि देखिए सवाल यहाँ पर यही बना है कि क्या आतंकवाद के खिलाफ कोई कार्रवाई पाकिस्तान कर सकता है, आपको क्या पाकिस्तान पर भरोसा है? क्योंकि पाक के विदेश मंत्री तो कह रहे हैं आज भी कि भाई पुख्ता सबूत देने पर मसूद अजहर पर होगी कार्रवाई, डोजियर हम सौंप चुके हैं, उसके बावजूद भी इस तरीके के बयान। ये जो है उनका जो कहना गलत है, क्योंकि जैसे मोहम्मद ने तो सबसे पहले जो कहा था कि हमने जो पुलवामा के अंदर हुआ है उसकी जिम्मेवारी उन्होंने ली है, जो लोग कह रहे हैं कि मैंने उसकी जिम्मेवारी ली है उसके बाद में क्या सबूत चाहिए उनके लिए, और जो सबूत पहले भी दिए हुए हैं जो 26/11 के लिए, उसके ऊपर उन्होंने क्या एक्शन लिया है? कुछ नहीं लिया ना अभी तक एक्शन की। अगर जब तक कि पाकिस्तान की आर्मी ये डिसाइड नहीं करती कि जो हमारी जो स्टेट पॉलिसी है उसके अंदर टेररिज्म को निकाल दिया जाए तो ये कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान की आर्मी को ही इस टाइम के अंदर, मेरे को भी यही लग रहा है कि वो थोड़ा सा झुकना पड़ेगा, पर अभी इस टाइम के अंदर हमने दो बारी पहले बार गलती कर चुके हैं, 47 के अंदर गलती कर दी, 71 के अंदर गलती, 47 के अंदर ये सुझाव अगर हम नहीं जाते सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर तो ये उसी टाइम के अंदर मसला कश्मीर का हल हो जाने का। उसके बाद में जो है 71 के बाद में उनको बहुत बड़ा धक्का लगा, 93,000 हमारे प्रिजनर लिए थे, पर उसके बदले के अंदर जो है कश्मीर अभी फिर भी उसके ऊपर बना रहा। आप देखिएगा 1971 से लेकर 1987 तक कुछ नहीं हुआ है,
बिल्कुल कुछ नहीं हुआ उस टाइम के अंदर। तो जो है कश्मीर एक जो कश्मीर की वैली कहा जाए एक किस्म से जन्नत थी उनके लिए, पर उसके बाद में 87 के बाद में कुछ हमारे हालात भी हैं उसके वजह से भी है उसका। उन्होंने जो है पाकिस्तान फिस्ट इनटू द वाटर, उसके बाद में जो है स्लोली ये बढ़ता ही गया है। और वो जो है अभी जो हमने कदम उठाया है अब कश्मीर का मुद्दा नहीं है, अगर कोई बाकी जो थर्ड पार्टी जब आती भी है थर्ड के लिए तो वो सिर्फ आना चाहिए कि किस तरीके से वो डिसमेंटल कर रहे हैं या नहीं। उनके लिए उनको रोड मैप देना पड़ेगा कि हमने ये उनका सबको पता है, उनको खुद को पता है, हमने तो दे देंगे उनके लिए कि कहाँ कहाँ पर उनके जो है टेररिस्ट कैंप हैं, वो टेररिस्ट कैंप को किस तरीके से डिसमेंटल करना है, किस कौन उसको सुपरवाइज वगैरह करेगा। हम नहीं कर रहे तो कम से कम जो उनके हैं जैसे चाइना है जो है और पाकिस्तान है फ्रांस है वगैरह के लिए 3-4 उनके मतलब जो है डिसमेंटल करो। पर कश्मीर मुद्दा नहीं, वो तो बायलैटरल है, पर इस मुद्दे के ऊपर जो है टेररिस्ट के जो कैंप हटाने हैं ट्रेनिंग कैंप वगैरह हटाना है और उसको जब तक कोई कंक्रीट सबूत नहीं होते हैं मेरे ख्याल से टॉक नहीं बिल्कुल करनी चाहिए पाकिस्तान के साथ, बातचीत नहीं होनी चाहिए, आप ये मानते हैं। पिनाक जी आपने भी सुना होगा संसद में जिस तरह से इमरान खान ने पूरे 21 मिनट का भाषण दिया था और उन्होंने कहा कि हम अभिनंदन को रिहा कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में उस 21 मिनट के भाषण में एक बार भी उन्होंने डोजर का जिक्र नहीं किया जो भारत की तरफ से सौंपा गया था, मसूद अजहर का वो नाम नहीं लेते हैं, जैश ए मोहम्मद के खिलाफ वो कार्रवाई की बात नहीं करते हैं, तो ऐसे में क्या पाकिस्तान पर भरोसा हम कर सकते हैं कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई करेगा या कार्रवाई करेगा? देखिए मैंने एक स्पीच उनका सुना है हाल ही अभी कुछ देर पहले जिसमें उन्होंने डोसियर की बात करी है, उन्होंने बोला वो डोसियर हमें आज मिला है, इस तरह की बात वो कर रहे थे। तो इसलिए वो कह रहे थे कि अगर ये डोसियर हमको पहले दे दिया जाता तो हम कार्रवाई कर सकते थे। मतलब ये तो एक्सपोस्ट फैक्टो सब बातें हैं क्योंकि पहले जो हमने डोसियर दिए उस पर तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी है। 26/11 पे हमने डोसियर दिए उस पर नहीं हुई, उरी में जो हुआ पठानकोट में जो हुआ कोई किसी पे कार्रवाई नहीं हुई, अब कार्रवाई होगी भी कैसे जी? ये तो इन्हीं के लोग हैं, पाकिस्तान आर्मी के लोग हैं जो कराते हैं, वो कहाँ से कार्रवाई करेंगे? इसलिए उन्होंने एक के बाद एक एक्सक्यूजेस वो देते रहे हैं कि हमारे कोर्ट में सबूत माना नहीं और जो सबूत है वो उसको पता नहीं क्या करते हैं, उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं किया, वो कैसे करेंगे? ये तो उन्हीं के पाले हुए हैं तो वो कैसे करेंगे, उनको तो वो कुछ करेंगे नहीं। खन्ना जी आप उम्मीद है कुछ करेंगे नहीं करेंगे? पिनाक जी को तो बिल्कुल उम्मीद नहीं कि कुछ करेंगे क्योंकि उन्हीं के हैं। और देखिए आज ही अगर आप कुरैशी साहब को सुने तो वो तो कह रहे हैं कि मसूद अजहर तो बहुत ज्यादा बीमार है, वो इतना बीमार है कि घर से वो बाहर नहीं निकल सकता, ये तो एक फिर उनकी नजर आ रही है। नहीं देखिए अगर वो बीमार वगैरह है तो उसके पास में उनके ऊपर एक्शन तो लेना चाहिए ना, एक्शन तो लिया नहीं है उसके ऊपर तो। अभी एक चीज़ और है जैसे कि बता रहे थे पिनाक साहब के जो उसके ऊपर एक्शन क्या लिया जा रहा है, कोर्ट के अंदर क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है? कोर्ट के अंदर अगर जाओ तो कौन पेश करता है? प्रोसिक्यूशन करता है ना, जो वो किस तरीके से प्रोसिक्यूशन पेश करता है अपना केस उसी के मुताबिक ही उसका हल होगा। अगर पहले से ही प्रोसिक्यूशन ही अगर उसको वीक प्रेजेंट करेगा तो नेचुरली जो है कहते हैं ना कि कानून तो अंधा है, अगर उनके पास में जो है ठीक सबूत आ गए तो वो कर देगा। ठीक तो प्रोसिक्यूशन कौन है करते है? पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट करती है वो उसको ही या आर्मी करती है, वही अगर प्रोसिक्यूशन ठीक तरीके से नहीं किया जाएगा तो नेचुरली जो है उसका जो नतीजा है वो तो यही निकलेगा कि हमारे पास में सबूत तो है नहीं, उन्होंने छोड़ दिया इसके लिए। लेकिन फिर सवाल करना चाहिए ना, फिर वो किस मुँह से कहते हैं कि हम भी पीड़ित हैं आतंकवाद के, 70,000 नागरिक हम खो चुके हैं, ये ऐसा इमरान खान साहब ने एक बार नहीं कई बार कहा है। अब ये देखिएगा ऐसे है, अगर आग नाग पालोगे तो नाग आपको डसेगा ही, कभी ना कभी तो उसने डसना ही है। और वो हमारे तो जैसे कहावत है ना वो भस्मासुर, तो भस्मासुर जैसे ये है कि अगर भस्मासुर को ने वाला के मतलब जो है उसको पाला है तो भस्मासुर आप उस जिसने पाला है उसी को भी डसेगा के लिए। तो और हमारे इधर भी कई इंडिया के अंदर भी ये है, अमेरिका देख लीजिए, अमेरिका ने अलकायदा पैदा किया था ना, कहता अमेरिका ने अलकायदा क्या था किया और बाद के अंदर वो उन्हीं को प्रॉब्लम जो आ गई उन्हीं को उसको करना कर। तो इनको भी डिसाइड करना पड़ेगा पाकिस्तान को कि ये जो पॉलिसी उन्होंने अभी तक किया है आगे नहीं शायद चलेगी और इसके लिए उनको जो रीथिंकिंग करनी पड़ेगी। एक साथ में और चीज़ मैं कह रहा हूँ कि ये तो ठीक है हम पाकिस्तान के साथ डील कर रहे हैं पर साइमल्टेनियसली जो एक्शन हमें जो लेना चाहिए वो हमें इनवर्ड भी लेना चाहिए। मैं इसी पर आऊँगी कि आखिरकार अब भारत को क्या करना चाहिए,
चाहिए। हालांकि तनाव जो है वो कम होता हुआ जरूर दिख रहा है, लेकिन इन सबके बीच में हमारी असल जो लड़ाई है, जो भारत की लड़ाई है, वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है। उसमें कैसे आगे भारत को बढ़ना चाहिए, पाकिस्तान को किस तरह का संदेश अभी देने की जरूरत है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, अब यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। स्वराज एक्सप्रेस एयरटेल पर भी उपलब्ध, चैनल नंबर 365। खेती किसानी और ग्रामीण भारत की खबरें लेकर मैं अनिका आर्यन हाजिर हूँ। देश का पहला न्यूज चैनल जो बुलंद करता है किसानों की आवाज, उनके मुद्दे, उनकी फरियाद। धान उपजा कर रखे हुए हैं, लेने वाला नहीं है, किसान तो कर्जे में जा रहा है। खबरें ग्रामीण इलाकों की, मंडी, खेत, खलिहानों की। हम सब किसके बच्चे हैं? किसान के। शहरों में गांव से आई आबादी की। सब बेरोजगार हैं। बातें सरकारी दावों की, पड़ताल कुछ आंकड़ों की। हमारे यहाँ केवल 20 दवाइयाँ हैं और पूरी तरह से ये योजना प्रधानमंत्री जी की फेल है। अपने किसानों से जुड़ी हर बात। ये रेड एल्पिनो है, इसकी विदेशों के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड होती है। देखिए मेरे साथ रोजाना शाम 6 बजे किसान बुलेटिन में। कुछ ही देर में बहादुर विंग कमांडर अभिनंदन देश पहुंच सकते हैं, बाघा बॉर्डर पहुंच सकते हैं। 2 दिन के बाद पाकिस्तान में 2 दिन रहे और आज उनकी रिहाई पाकिस्तान से हो रही है। अभिनंदन के लिए लोगों का हुजूम वहां पर उमड़ा हुआ है। ये आपको तस्वीरें बाघा बॉर्डर की दिखा रहे हैं। यहां पर कुछ ही देर में बताया जा रहा है किसी भी वक्त अभिनंदन पहुंच सकते हैं। अभिनंदन पायलट जिनकी वीर गाथा को लोग सुन चुके हैं, किस तरह से वहां पर जब इंटरोगेशन पाकिस्तान की सेना की तरफ से की गई थी तो एक बार भी उन्होंने खुफिया जानकारी, जो महत्वपूर्ण जानकारी होती है, वो नहीं दी है। और आज उनकी घर वापसी हो रही है। जरा देखिए तिरंगा लहराता हुआ वहां पर, आज एक राष्ट्रीय पर्व जैसा नजारा वहां पर नजर आ रहा है। 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही मीटिंग रिट्रीट देखने के लिए लोगों की इतनी भारी तादाद में हुजूम जमा होता है, लेकिन आज सिर्फ ये भीड़ अभिनंदन की एक झलक पाने के लिए बेताब है, उस शौर्यवीर के लिए, उस बहादुर पायलट के लिए जिस पर आज देश को नाज है, देश को फक्र है। ये तस्वीरें सीधे आपको हम बाघा बॉर्डर की दिखा रहे हैं। पिनाक रंजन चक्रवर्ती, पूर्व राजनयिक हमारे साथ मौजूद हैं। वीके खन्ना, रिटायर्ड ब्रिगेडियर, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। पिनाक जी, आपसे ये मैं समझने की कोशिश करूंगी, जिस तरह से OIC में आज सुषमा स्वराज पहुंची और पाकिस्तान की तरफ से बॉयकॉट किया गया, जिस तरह से FATF में ग्रे लिस्ट में आज भी पाकिस्तान मौजूद है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जो साथ मिल रहा है भारत को, क्या कूटनीतिक फ्रंट पर आपको पाकिस्तान पीछे जाता हुआ दिख रहा है आज की मौजूदा स्थिति में? कूटनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक स्तर पर तो पाकिस्तान अभी बैकफुट पर है। उन्होंने OIC को भी ब्लैकमेल करने की कोशिश करी कि आप उसको डिसइनवाइट करें, हमारे विदेश मंत्री जी को जी। पर OIC ने माना नहीं और उधर से शायद उनको धमकी भी मिली होगी सऊदी अरेबिया और UAE से, क्योंकि UAE के जो क्राउन प्रिंस हैं उन्होंने जो पर्सनल इनविटेशन दिया था, और आपको तो मालूम ही है कि अरब के जो ये प्रिंस प्रिंसेसेस हैं, इन्होंने जब ऐसा इनविटेशन देते हैं और कोई तीसरा आके कहता है कि नहीं आप इनवाइट नहीं कर सकते और या इसको डिसइनवाइट कर ले, तो वो इस तरह का रवैया एकदम पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो ये एक इंसल्ट, वो इसको इंसल्ट मानते हैं। तो इस पाकिस्तान ने तो कर दिया उनको इंसल्ट, अब पाकिस्तान को मतलब
मतलब अपने घुटने टेकने पड़े, क्योंकि ये दोनों देश में पाकिस्तानी काम करते हैं। सऊदी अरेबिया के प्रिंस, क्राउन प्रिंस आके अभी कई बिलियन डॉलर का एग्रीमेंट साइन करके गए हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस पाकिस्तान ये अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगा है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी तो एकदम खड्डे में है और उनको इनकी ज़रूरत है, इनसे पैसा मिलता है, तो ये इस तरह का ब्लैकमेल तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसलिए सऊदी अरेबिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इस्लामाबाद आए वो ये और उनको ये बता के गए कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद इनके पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अपना मतलब उनको जाना पड़ा वहाँ पे, पर उन्होंने फिर अपना एक पोस्चरिंग किया कि जहाँ पे सुषमा जी बोलेंगी तो वहाँ पे हम नहीं रहेंगे, हमारी सीट खाली रहेगी। तो ठीक है, उन्होंने अपना मतलब जो करना था किया, एक सॉर्ट ऑफ सोल्यूशन उन्होंने इस तरह से उसका किया। लेकिन ओआईसी में पाकिस्तान के ही नहीं चलना, जो कि एक फाउंडर मेंबर रहा हो, आखिरकार ये कितनी बड़ी कूटनीतिक असफलता कही जा सकती है पाकिस्तान की? विनाश जी, बिल्कुल असफलता है। उन्होंने तो पहले ब्लैकमेल करने की कोशिश करी, उन्होंने सोचा पाकिस्तान का एक बोलबाला है वहां पे है। अब उनको पता चल गया कि पाकिस्तान की कोई कदर करता नहीं है, पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क तो बन ही गया है। अब कौन सुनेगा उनकी बात? उन्होंने क्या दिया है ओआईसी को? सऊदी अरेबिया उनकी बात क्यों सुनेगा? वो तो सऊदी अरेबिया के टुकड़ों पे पलते हैं सारे। तो अब ये उनको समझ में आ रहा है कि उनकी अब नहीं चलेगी, ओआईसी में भी नहीं चलेगी। तो वहां पे भी हमारे जितने भी दोस्त मुल्क है ओआईसी में, मुस्लिम देश है, बांग्लादेश है, उसमें सब लोग हैं, बहुत लोग हैं, वो हमें समर्थन कर रहे हैं, इंडिया को समर्थन कर रहे हैं। वो तो दूसरी बात है कि वो वहाँ पे एक रेजोल्यूशन एक पास हो जाता है कश्मीर के खिलाफ, पर वो तो कोई, वो बाद में यही लोग ओआईसी के मेंबर देश जो है वही हमें आके बोलते हैं कि देखिए ये वहाँ पे होता है, आप इसको भूल जाए। क्योंकि पाकिस्तान तो कह रहा है ना कि हम बातचीत करने के लिए तैयार है, वो तो ऑफर भी कर रहे हैं इमरान खान साहब की, बातचीत करिए आतंकवाद पर, हम तैयार हैं। तो अगर आप तैयार हैं तो फिर आप भारत का वहां पर पहुंचना क्यों खटक रहा है, क्यों आप फिर वॉकआउट करते हो ओआईसी का? ये जो है, पहले मैं ये एक थोड़ा सा मैं कहूँगा जो बताया चक्रवर्ती साहब ने कि एक ओआईसी एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पर कि पाकिस्तान जो है, और ओआईसी पिछले जब से हुआ है हमेशा वो अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन जरूर पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट करता था, पीछे चलता आया। पर अभी जो नेचुरली सिचुएशन चेंज हो गई हैं, पूरे जो मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी कंट्रीज हैं, चाहे वो यूएई है या सऊदी अरेबिया है, अभी आपने देखा होगा कि वहाँ यूएई के अंदर है कहने के लिए मंदिर के कहाँ होते हैं, अभी मंदिर भी वहाँ पर बनने शुरू हो गए। तो कहने का मतलब है क्योंकि हमारे जो वहाँ पर अभी इतनी ज़्यादा फोर्स वगैरह हो गई है, पाकिस्तान से भी ज़्यादा है, तो और उनका आपस में जो है एक दूसरा है कि उनका फाइनेंशियली जो ट्रेड है बिटवीन इंडिया उनके साथ में पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा रखने के लिए, तो एक्सपोर्ट पाकिस्तान को करने से, तो इसलिए वो वहाँ से तो वो उनका मतलब नहीं है। दूसरा पॉइंट आपने जो बताया कि जो है वो कह रहा है कि हमें शांति चाहिए, शांति क्यों चाहिए? उनको चाहिए कि अभी मतलब जो कर नहीं सकते हैं, थोड़ी देर के बाद में जो है हमें अगर अभी बोल जाएगा अच्छा ठीक है छोड़ दो जा, तो उसके बाद में जो है होगा क्या, थोड़े दिनों के बाद में फिर ये वाला शुरू हो जाएगा। तो अभी मतलब जो है वो घुटने उसने टेके हुए हैं, उसको पूरा नीचे जब तक के, मैं फिर दोबारा से कह रहा हूँ कि जब तक के जो ठिकाने हैं टेररिस्ट के या उनके जो ट्रेनिंग एरिया हैं, जब तक के उनको नष्ट नहीं किया जा सकता है सिस्टमेटिकली, सही रोड मैप बनाकर प्रॉपर सुपरविजन के साथ के अंदर टॉक्स नहीं करनी चाहिए, इसी तरीके से बना के रखो, हमें कोई इतराज़ नहीं है। एक चीज़ और मैं बताऊँ, अगर वो जो अगर उन्होंने अभी फौज उनकी पूरी लगी हुई है इसके अंदर है, मेंटेन करने के लिए भी उनके पास में देखेगा एक महीने के बाद में उनके ऊपर पैसा नहीं होगा, तो ये मतलब जो है ये उनके ऊपर एक एक दिन का जो है इकोनॉमिकली प्रेशर है, खुद ही है फाइनेंशियल अपना फॉरनर के, तो उनके पास एक महीने से भी ज़्यादा नहीं है। तो मत और ये अगर इस तरीके से फौज अगर आगे लगे रही और इस तरीके से फायर वगैरह करते हैं तो उनके पास तो बिल्कुल ही नहीं होगा, खाने भी लेके मुश्किल हो जाएगी रखने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा चुनाव है, इसलिए वो कह रहे हैं कि ठीक है हमें जो है आ जाइए बातचीत करेंगे। बातचीत का मतलब क्या, टल जाएगा फिर ना अभी नहीं टलना, जब तक कि वो उसका जो मुद्दे से हम गए हैं उसको पहले कम से कम एम जो हमने लिया था उसको पूरा करिएगा पहले, तभी ही वापस आइए। बिल्कुल, और अभिनंदन की रिहा करके जो एक वो पीस कंट्री का मुखौटा
क्षमता दिखाना चाहता है। जाहिर तौर पर सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि आपका जो काम करने के लिए कहा गया था, यानी कि आतंकवाद के खिलाफ जो कार्रवाई करने के लिए कहा था, जैश ए मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा था, मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा था, उसको लेकर आपके पास जवाब नहीं है, तो आखिरकार किस तरह से फिर पाकिस्तान पर भरोसा किया जाए? एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।